फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई सॉ हाउ हैवीली पॉलिटिसाइज्ड दिस यूनिवर्सिटी इज. सबको नोटा ही करना चाहिए, एक मैसेज आएगा इससे कम से कम. वोट नहीं करेंगे तो आप चेंज कैसे एक्सपेक्ट करेंगे. कुछ समस्याएं ना ऐसी हैं जिनको अब ऐतिहासिक करार दे देना चाहिए. So we are here at the Delhi University North Campus where the voting for the DUSU elections 2018 is underway. And just to give you a brief overview, the four major organizations that are in the fray this year are the traditional bigwigs ABBP and NSUI. And AISA, interestingly, has allied with the ARP's student wing, which is the CYSS. कि कुछ समस्याएं ना ऐसी हैं जिनको अब ऐतिहासिक करार दे देना चाहिए, जो पिछले 15-20 सालों से चली ही आ रही हैं. और ये डिफरेंट पार्टीज़ हैं, दूसरे इलेक्शंस में भी सब हमेशा अपने मुद्दे लेकर आते हैं कि हम ये समस्याओं का समाधान करेंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे. तो इलेक्शन से पहले सब रहता है कि हाँ होगा, पावर में आने के बाद कोई कुछ नहीं करता. From the first day itself, I saw how heavily politicized this university is. I think people break rules here very easily without any proper checks. So that was a little disheartening for a student who's been expecting to come to DU, which is one of the top colleges, top universities in India. Safety, good clean water in colleges, some basic facilities that we're not even getting. पहला मुद्दा है हॉस्टल्स का. यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं लेकिन उनके लिए हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं है. दूसरा मुद्दा है कि आप स्टूडेंट्स को और आउटसाइडर्स में डिफर ठीक से करिए. आप आईडी कार्ड्स अच्छे बनाइए और कम से कम कॉलेज में एंट्री सिर्फ स्टूडेंट्स को करिए, आउटसाइडर्स को ना करिए. क्योंकि फिर इलेक्शंस के टाइम पे बाहर के लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, फिर नाम जाता है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं. So we talked to a couple of students here and one of the things that we have gathered is that there is a sizable number of students who are disillusioned by the way the promises offered by the student organizations each and every year are not fulfilled. And in fact, some of them have even voted for NOTA, saying that voting for these particular student organizations would not serve any kind of purpose. ये मेरा fourth time है election DUSU का, like DUSU और Delhi University का, और मैंने कोई चेंज देखा नहीं. चार सालों में सेम चीज़ रिपीट हो रही है. लास्ट टाइम दूसरी पार्टी भी इलेक्शन जीत गई, तो इसलिए नोटा है. और मेरा कहना सबको नोटा ही करना चाहिए, एक मैसेज आएगा इससे, कम से कम लोगों को पता चलेगा कि या आप सिर्फ पैसा या आप कुछ दे के आप नहीं कर सकते हो. हम लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, सो आप नाम बांट के पैम्पलेट्स बांट रहे हैं ये सब, इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है. आप लोग को अगर बांटना ही है तो फिर आप मैनिफेस्टो बांटो कि क्या अगले साल करने वाले हो, क्या लास्ट ईयर किया था, फंड यूटिलाइजेशन आपने कैसे किया था लास्ट ईयर. ये बिल्कुल गलत है कि हम वोट नहीं करेंगे. वोट नहीं करेंगे तो आप चेंज कैसे एक्सपेक्ट करेंगे. फिर तो वही है कि किसी भी कैंडिडेट के हार्डलाइन सपोर्टर्स वोट दे देंगे. आप वोट ही नहीं करेंगे तो आप चेंज कैसे लाएंगे. आप कैंडिडेट्स को भापिए, वोट तो आपका हक है. आप वोट ही नहीं करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. अकाउंटेबिलिटी फिर उनके लिए, वो जो कैंडिडेट्स हैं वो किसको देंगे, कि अपने सपोर्टर्स को तो देंगे नहीं. एक जो न्यूट्रल वोटर होता है वही अकाउंटेबिलिटी मांगता है.